हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल निशास कुकिंग एंड ब्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सभी की दुआओं से ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी सुबह की मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की और उसके बाद डायरेक्टली अपना ब्लॉग मैंने शूट किया था दोपहर के खाने के साथ। तो आज है फ्राइडे, मैं यहाँ पर लंच की तैयारी कर रही हूँ फ्राइडे को। जैसे कि आप सभी के साथ लास्ट ब्लॉग में भी शेयर किया था कि फ्राइडे का दिन ऐसा होता है कि बस लगता है जल्दी और क्विक सा कुछ बन जाए। तो बस यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ काली दाल की खिचड़ी और ये उड़द वाली दाल है इसकी मैं खिचड़ी बनाने जा रही हूँ। और इसकी जो खिचड़ी है मेरे घर में लाल चटनी के साथ बहुत ही शौक से खाई जाती है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी खिचड़ी तैयार हो चुकी थी और मैं घर में सबसे पहले अपने पापा को ही खाना देती हूँ क्योंकि मेरे पापा बिल्कुल वक्त पर खाना खाना पसंद करते हैं। हम लोग तो थोड़ा बहुत काम वाम में लेट भी हो जाते हैं। और मैंने यहाँ पर चटनी बनाई थी हरी मिर्च की। आज मैंने जो चटनी बनाई थी वो लाल मिर्चों की चटनी थी लेकिन हरे धनिया के साथ बनाई थी। लेकिन मेरे घर में इसे केवल लाल मिर्च की चटनी के साथ भी बहुत ही शौक से खाया जाता है। और उसके बाद बस आ गया था स्नैक्स टाइम और स्नैक्स टाइम में आज बने थे बर्गर। और घर पे वैसे जब से मैं आप सभी को मैंने एक दो ब्लॉग पहले शेयर किया था कि मैंने क्लाउड किचन स्टार्ट किया जिसकी जरूरी मैं आप सभी के साथ शेयर नहीं कर पाती, उसका एक अलग सेपरेट पेज बनाऊंगी इंशाल्लाह। यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में, किचन में मैं कर रही हूँ यहाँ रात के खाने की तैयारी। और आज मैं खाने में रात में बना रही हूँ चने की दाल गोश्त वो भी चिकन के साथ और बना रही हूँ पनीर की सब्जी। यहाँ पर मैंने दाल को वॉश करके पानी डाल लिया है, उसमें हरी मिर्च डाली है 2 से 3, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और नमक डालकर अब मैं इसमें लगभग 4 से 5 विजल्स लगा लेती हूँ क्योंकि जो चने की दाल होती है वो थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लेती है टेंडराइज होने में। तो अभी फिलहाल रख देती हूँ इसे। तो मैंने एक गैस पर तो रख दी थी दाल को और दूसरी गैस पे मैंने तेल चढ़ा दिया था कढ़ाई में क्योंकि वो गर्म हो चुका था। तो अब मैंने उस पर जो चौपकी हुई प्याज थी वो डाल दी थी क्योंकि यहाँ पर मैं बना रही थी पनीर की सब्जी और मैंने टमाटर की प्यूरी तैयार की थी। उस प्यूरी को भी पहले तो प्याज को थोड़ा सा गोल्डन फ्राई किया था। प्याज को गोल्डन फ्राई करने के बाद मैंने टमाटर प्यूरी डाली थी, उसके बाद कुछ चॉप की गई हरी मिर्चों के टुकड़े डाले थे और उसके बाद सारे स्पाइसेस डाल दिए थे। स्पाइसेस मैं शूट नहीं कर पाई थी इसमें, मैंने प्लेन स्पाइसेस यूज़ करे थे, हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, नमक और बस केवल इन्हीं मसालों का यूज़ किया था। उसके बाद सबको अच्छे से मिक्सअप कर दिया था और कुछ देर के लिए उसे मैंने कुक होने के लिए रख दिया था। जब भी मैं कुकिंग व्लॉग आप सभी के साथ शेयर करती हूँ तब मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में होती हूँ और ये खाना भी मैंने केवल 1 घंटे में तैयार किया था। तो मैं हर एक डिटेल आप सभी के साथ शेयर नहीं कर पाई। यहाँ पर प्याज और टमाटर टेंडराइज हो गए थे, उसके बाद मैंने एक दो बार उसे बीच बीच में चला लिया था ताकि वो नीचे लगे नहीं हो। मीडियम फ्लेम पर ही गैस पर मैंने इसे पकाया था तो बस मिक्स कर रही थी और दूसरी गैस पर जो दाल थी उसमें सीटियाँ आ चुकी थी और मैंने वहाँ पर दूसरी गैस पे रख दिए थे प्लेन राइस कुक होने के लिए। थोड़े से अगर सब्जी और दाल के साथ दाल गोश्त बना रही थी और ऐसी सब्जियों के साथ अगर ऐसी रेसिपीज हो उसके साथ प्लेन राइस बहुत ही अच्छे लगते हैं। यहाँ पर टमाटर प्यूरी और प्याज वगैरह कुक होने के बाद मैंने उसके थोड़ी देर बाद मतलब वो टेंडराइज हो गई थी उसके बाद मैंने शिमला मिर्च डाली थी क्योंकि ये थोड़ी सी क्रंची अच्छी लगती है। और उसके बाद यहाँ पर मेरी सब्जी भी मैंने मतलब वो इंडक्शन पे रख दी थी और दूसरी गैस पे दाल तो टेंडराइज हो गई थी। यहाँ पर मुझे केवल 2 सीटियाँ लगानी थी और दूसरी कढ़ाई में मैंने जो गोश्त था दाल का उसे कुक करने के लिए तेल डाल दिया था। उसके बाद मैंने जो गोश्त दाल गोश्त में डालना था चिकन का ही यूज़ कर रही थी तो वो डाला। उसके बाद मैंने जो अदर स्पाइसेस उसमें यूज़ करने थे सबसे पहले टमाटर, हरी मिर्च, थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक और थोड़ा सा नॉनवेज मसाला डालकर थोड़ा सा कुकर इसमें मैंने लाल मिर्च नहीं डाली थी ताकि जो कलर है दाल का वो अच्छा बना रहे इसलिए मैंने कोई कलर वगैरह नहीं यूज़ किया था, लहसुन अदरक का पेस्ट यूज़ किया था। तो मैंने उसके बाद किया था कढ़ाई में यहाँ पर 2 सीटियाँ मैं दोबारा से लगा रही थी और मैंने जैसे ही गोश्त डाला कढ़ाई में तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं इस पर इतना टाइम लगेगा क्योंकि जैसे कि बताया कि 1 घंटा ही था मेरे पास यहाँ पर कुकिंग करने के लिए। तो मैंने सोचा कढ़ाई में थोड़ा वक्त लगेगा और यहाँ पर दाल भी टेंडराइज होगी तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि अगर मैं इस गोश्त को अगर मैं कुकर में डाल दूंगी और उसमें 2 सीटियाँ ले लूँगी तो वो एक साथ ही पक जाएंगे और फ्लेवर भी एक दूसरे का एक साथ अच्छे से आ जाएगा। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जो दाल है वो तैयार हो चुकी है और मैंने जो कढ़ाई में गोश्त डाला था ना मसालों के साथ फिर मुझे लगा अगर उसमें टाइम लग जाएगा तो मैंने दाल के साथ ही डालकर उसमें 2 विजल्स ले ली ताकि जो गोश्त का फ्लेवर है वो भी दाल में आ जाएगा और दाल का जो फ्लेवर है वो भी गोश्त में आ जाएगा। तो इससे मेरा टाइम भी सेव हो गया क्योंकि क्या होता है ना कि लंच में अगर एकदम झटपट से ज़्यादा काम मिल जाए
तो देर ना हो इसलिए इस तरह से मैं काम कर लेती हूँ, शायद आप लोग भी कर रहे थे होंगे। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसका स्पाइस और सॉल्ट सब चेक कर लिया, बहुत ही स्पाइसी बनी है, क्योंकि आज अम्मी की स्पेशल डिमांड थी कि दाल हो तो चटपटी हो, क्योंकि उनका ये वाली दाल मेरे हाथ की खाने का दिल कर रहा था, लेकिन वो भी स्पाइसी। तो बस मैं इसका अब तड़का तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हो ये थोड़ी सी थिक तो भी हो जाएगी, देन तड़का का लगेगा और थोड़ी देर रेस्ट करेगी तो थोड़ी सी थिक हो जाएगी। और अब मैंने दूसरी गैस पे रख ली है कढ़ाई, क्योंकि अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ तड़के की तैयारी। सबसे पहले तो डाल देती हूँ ऑयल, सरसों का ही तेल है, लगभग 2 टेबल स्पून मैंने यूज़ कर लिया है ऑयल। तो मैंने रख दिया है तेल गर्म होने के लिए, सरसों का तेल थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लेता है। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंडक्शन पे मैंने बना ली थी सब्जी, पहले इसे रखा था उस वाली गैस पे, लेकिन मुझे लगा और भी काम आ गए थे तो बस मैंने इसलिए सोचा कि 3 गैस होंगी, टाइम ही जल्दी से सेव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर डाल देती हूँ फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, और आप देख सकते हैं ये सब्ज़ी भी बहुत ही मज़ेदार बनी है। वैसे कई बार मैंने इसकी रेसिपी आप सभी के साथ चैनल पर शेयर की है, बहुत ही इजी क्विक रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी भी बनती है। और यहाँ पर मैंने प्लेन राइस बॉईल कर लिए हैं मैंने, और बस ये सैलेड भी तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब बस बारी आ गई है खाने को लगाने की, अभी फ़िलहाल बस तड़का लगा दूँ। तो यहाँ पर तेल हो चुका है गर्म, अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने रफली चॉप कर लिया है, हाफ टी स्पून जीरा गया, और अब ये गई लगभग 1/4 टी स्पून हींग, इससे बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही खुशबूदार जायका रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लग गया है, दाल का तड़का हो गया है तैयार, और अब मैं इसे डाल देती हूँ दाल में। बस हमारा ये दाल गोश्त भी तैयार हो चुका है, और अब मैं जा रही हूँ फिलहाल खाना लगाने। ये आप सभी देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह दाल भी हो गई है तैयार, और ये इसमें भी डाल देती हूँ फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। धनिया होता है ना वो हर एक मतलब किसी भी रेसिपी का बिल्कुल एकदम उसकी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गई है इसमें दाल, और इसके साथ ही ये पनीर की सब्जी जो बहुत ही जायकेदार बनी है। ये हो गए हैं प्लेन राइस तैयार, सैलेड जा रही हूँ खाना लगाने। तो यहाँ पर बॉटल को डाल लेती हूँ जग में, क्योंकि दस्तरखान लगा हुआ वहाँ पर बॉटल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान लग चुका था, सारी तैयारी हो चुकी थी, और हम सब बस खाने के लिए बैठ गए थे। और आज का खाना भी बहुत ही टेस्टी बना था, चने की दाल गोश्त बनाया था चिकन के साथ, पनीर की सब्जी, प्लेन राइस और सैलड वगैरह सब अल्हम्दुलिल्लाह सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। अगर आप सभी को भी मेरी इस तरह की रेसिपीज पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहे। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि किचन की कंडीशन खाने के बाद कुकिंग हो और खाना भी खाया जाए उसके बाद इस तरह से होती है, बर्तन भी बहुत ज़्यादा थे, यहाँ पर किचन पूरी तरीके से मैस थी। तो मैंने सोचा चलो मैं फटाफट से सबसे पहले तो इसे समेट देती हूँ, क्योंकि समेटने का काम क्या होता है ना कि मतलब खाना वगैरह पलट दो, पानी जो है बॉटल फिलअप करके रख दो। तो बस मैंने सबसे पहले वही काम किया था, खाना पलट के रखा, फ्रिज में रखना था जो, और जो ताज़ा था अभी नहीं रखना था वो थोड़ी देर बाद मुझे फ्रिज में रखना था, और पानी वगैरह भरा, उसके बाद मैंने फाइनली अपने जो बहुत सारे बर्तन थे वो धो लिए थे लेकिन लगाए नहीं थे। आप देख सकते हैं अभी स्टैंड पर ही थे, उसका पानी जब एक्सेस पानी निकल जाता उसके बाद ही मैं ये काम करती हूँ। अगर आप सभी को मेरे ब्लॉग पसंद आते तो मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहे, ऐसे ही मज़ेदार ब्लॉग्स आप सभी के साथ शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह। वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, नेक्स्ट ब्लॉग में आप सभी के साथ मिलती हूँ बहुत ही जल्दी से दोस्तों। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।